हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्मार्ट क्रोशे में। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि स्लिप नॉट और चेन कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सिंगल क्रोशे एंड डबल क्रोशे कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, मैंने चेन तैयार रखी है। अब जो पहली चेन है उसे छोड़कर दूसरी चेन में हम अपना हुक इंसर्ट करेंगे। हुक के ऊपर से ये धागा लेंगे, फिर एक और बार धागा हुक पर लेंगे और इसे इन दोनों स्टिचेस में से निकाल देंगे। एक बार फिर से करते हैं, इसे सिंगल क्रोशे कहते हैं। एक बार हुक अपनी चेन में इंसर्ट करके टर्न करेंगे थ्रेड को और अपने चेन में से निकाल लेंगे। उसके बाद धागे को क्रोशे में से लेंगे और इन दोनों में से निकाल देंगे। एक बार फिर से करते हैं, इंसर्ट किया हुक, धागा लिया, निकाल दिया, फिर से धागा लिया और इन दोनों में से निकाल दिया। ये हो गया हमारा सिंगल क्रोशे। तो अब हम डबल क्रोशे देखते हैं। डबल क्रोशे में पहले ये धागा हुक के ऊपर से लेना है, उसके बाद इंसर्ट करना है चेन में। अब हमने चेन में इंसर्ट किया, धागा लिया, ऐसे ये सभी हमारे हुक पर आ गए। उसके बाद टर्न किया धागे को, पहले इन दोनों में से निकाला, उसके बाद धागा लेने के बाद अब इन दोनों में से निकाल दिया।